फिंगर प्रिंटिंग कहते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन अब आप तीन पांच वाला अर्थ समझिए कि तीन पांच क्या है। अभी ये देखिए, अभी हम लोग अगर डीएनए की बात करें तो अब ये देखिए, मान लिया जाए कि हम एक ये देखिए जीरो ये बन गया, फिर जीरो फिर ओ, अब ये देखिए एक दो तीन चार और ये पांच, एक दो तीन चार और ये पांच, अच्छा। अब ये देखिए यहां पे ये जो है ना, इसका तीन और इसका पांच, यहां पे अकार्बनिक फॉस्फेट आईपी जिसको हम कहेंगे, यानी ये जो होगा पीओ फोर थ्री माइनस, इससे जुड़ेगा, फिर ये और ये यहां पे आईपी बनाकर जुड़ जाएगा, है कि नहीं, ऐसे जुड़ जाएगा। फिर मान लीजिए कि ये भी किसी से जुड़ जाएगा, तो आप ये देखिए इधर किससे शुरू हो रहा है, तीन से, और इधर क्या हो रहा है पांच, तो ये हो गया थ्री से फाइव। दूसरे साइड अगर हम देखें तो वो उल्टा क्रम आएगा ऐसे, एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार और ये पांच। अब ये देखिए ये और ये यहां पे आईपी बनाएंगे, ये और ये यहां पे आईपी बनाएंगे, तो अब आप ये देखिए ये तीन से लेके पांच का नीचे का क्रम है, यही तीन पांच है, तो अब इसे हम थ्री डैश और फाइव डैश कहते हैं। अब ये देखिए यहां पे क्या होगा, ये लोग चार से आपस में जुड़ जाएंगे, क्या जुड़ जाएंगे, चार से जुड़ जाएंगे, जैसे ये महाशय जो है ये और ये, यहां पे मान लीजिए कि ए होता तो डबल बॉन्ड टी हो जाता, ये और ये, ये और ये, यहां पे मान लीजिए जी होता तो ट्रिपल बॉन्ड सी होता, ये और ये टी होता तो डबल बॉन्ड में होता, और इनके बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है, और यही जब ऐसे रोटेट कर देते हैं 10 को ये जोड़े मिल जाएंगे 10, तो आपका एक एक रिक्वायरिंग हो जाएगी, और ऐसे तीन जनों के समूह को हम कोडोन कहते हैं। ये देखिए ये तीनों जो मिल गए तो यही कोडोन होते हैं। जब भी कोई म्यूटेशन होता है, म्यूटेशन माने उत्क्रमीय परिवर्तन, उत्परिवर्तन, तो ये जो होगा इसी का कोई ना कोई अनुक्रम बदल जाएगा, जैसे ये चेंज हो जाए। अब इसके चेंज होने से अपना भौतिक मतलब हमारे चारित्रिक गुण में एक विशेष प्रकार का परिवर्तन आ जाएगा, तो इस चीज को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो अब देखिए कि अब डीएनए तो हमने पढ़ लिया, अब देखिए डीएनए की संरचना बन गई। अब डीएनए अनुवांशिक पदार्थ ही है सभी जीवों में, तो डीएनए करता क्या है, तो देखिए डीएनए हमारे चारित्रिक गुणों को नियंत्रित करता है। ये क्या करता है, चारित्रिक गुणों को नियंत्रित करता है। और चारित्रिक गुणों को नियंत्रण का क्या मतलब है, इसके चारित्रिक गुणों के नियंत्रण का क्या अभिप्राय है। जैसे मान लीजिए कि कोई डीएनए है से डीएनए बने, डीएनए का एक ट्रेंड है उसे कोई डीएनए बनता है, तो इसे हम रिप्लिकेशन कहते हैं, रिप्लिकेशन यानी प्रतिलिपिकरण, ये आपका प्रतिलिपिकरण। अगर मान लीजिए डीएनए से
आरएनए बनता है। तो इसे हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। इसे हम लोग ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। और अगर मान लीजिए कि आरएनए से डीएनए बना तो ये प्रतिलोम या रिवर्स रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इसे हम ट्रांसक्रिप्शन का विलोम होता है, पुनः ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है, यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और एक होता है कि डीएनए से आपका प्रोटीन बने, इसे हम अनुवादन कहते हैं, अनुवादन या ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन, इस बात को ध्यान में रखिए। तो ये जो डीएनए बना, इसके बाद अब इसके बहुत सारे, जैसे हमारे डीएनए के लिए हमारे पास बहुत सारी परिभाषाओं का एक पूरा स्टॉक है। जैसे मान लीजिए कि अनुवांशिकता को यह नियंत्रित करता है, तो अनुवांशिकता की परिभाषा क्या है? तो पैतृक गुणों का, मतलब आप लिख सकते हैं कि डीएनए यानी अगर हम ये देखें कि यहां पे एक तो हम अनुवांशिकता, यानी गुणों का जनक से अगली वंश में स्थानांतरण, यानी पेरेंटल गुणों का उनके संतति में जो ट्रांसफर होता है, स्थानांतरण होता है, इसे हम अनुवांशिकता कहते हैं। जैसे अगर हम ये कहते हैं कि हमारे पूर्वज, मतलब जो एंसेस्टर थे, वो बंदर थे, तो बंदर का कुछ गुण हमें मिलता है ना, जैसे कुछ गुण हमें मिलता है, तो ये जो गुण उनसे अभी तक हमें बना हुआ है, यह एक अनुवांशिकता है, अनुवांशिकी गुण है। और एक होता है जैव विकास। जैव विकास, अब जैव विकास क्या होता है भाई? यानी ये तो हो गया कि जनक के गुणों का संतति में स्थानांतरण। और इसमें क्या हो गया कि जैव विकास में क्या हो गया, जैव विकास में क्या हो गया कि कोई भी जीव है, जैसे मान लीजिए कि जेब्रा और जीरा है ना, जैसे मान लीजिए कि हम ही लोग हैं, होमो सेपियंस हैं, निग्रो हैं, जावा एपमेन है कि नहीं, तो ये मनुष्य ही हैं, लेकिन इनमें भौगोलिक दृष्टिकोण से चाहे जो भी हो, आज विषमताएं आई हैं। अफ्रीका के लोग हमारी तरह नहीं है, चाइना के लोग हमारी तरह नहीं है, मंगोलियन है वो। तो ये जो बदलाव भी तो आ रहा है धीरे धीरे, नई प्रजातियां भी तो हो रही हैं, बाघ चीता है ना, तेंदुआ, ये सब एक जैसे हैं लेकिन एक नहीं है, इनमें अलग अलग, थोड़ा गधा घोड़ा खच्चर जेब्रा, ये सब एक जैसे हैं लेकिन एक नहीं है। तो ये जो होता है इसको जैव विकास कहते हैं, यानी मतलब मंद एवं लगातार होने वाली परिवर्तन जो लंबी विकास काल
के दौरान किस कोई जीव धारण करता है एवं नई प्रजाति उत्पन्न करता है, नया प्रजाति नई स्पीसीज बन जाती है एवं नई प्रजाति उत्पन्न करता है, इसी हम कहते हैं जैव विकास। अच्छा, एक होता है उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन। अभी हाल ही का ले लीजिए कोरोना, COVID-19 जो है ये चमगादड़ों में होता था, एकाएक इसने अपनी म्यूटेशन किया कि कराया गया जो भी है, लेकिन अब ये क्या हो गया कि पहले बैट में रहता था, अभी हमारे शरीर में भी सर्वाइव कर ले रहा है। तो ये एकाएक अचानक होने वाला परिवर्तन जो किसी भी जीव के अनुवांशिकता में आ जाता है, जैसे मान लीजिए कि अचानक होने वाला परिवर्तन तो कैसा है, जैसे मान लीजिए कि आदमी धूप में ना निकले तो थोड़ा उसका जो है मेलानिन कम हो जाएगा, लेकिन फिर धूप में निकले फिर से सांवले हो जाएंगे। तो ये नहीं, जो उसकी अनुवांशिकता में आ जाए, मतलब अचानक होने वाले परिवर्तन जो जीव की अनुवांशिकता के साथ अन्योन्य कर लेता है, अनुवांशिकता में आ जाता है, आ जाता है, उसे उत्परिवर्तन या म्यूटेशन कहते हैं। ये बात हो गई। अब एक और, ये डीएनए के बारे में एक और खास बात आप लोग ये जानिए कि डीएनए का जो अनुक्रम होता है किसी भी चीज में वो एकदम यूनिक होता है, इसे हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। या अंगुली छापन करके होता है, डीएनए अंगुली छापन। अब ये देखिए डीएनए अंगुली छापन क्या होता है। प्रत्येक जीव में एक अति विशिष्ट, प्रत्येक जीव में एक अति विशिष्ट नाइट्रोजनी क्षार का क्रम पाया जाता है। माने जो एक जीव में पाया गया दूसरा में नहीं पाया जाएगा, इसका प्रयोग हम उसकी पहचान के लिए करते हैं। ये जो अनुक्रम जो होता है, इस अनुक्रम का प्रयोग जीव की पहचान के लिए किया जाता है। जीव की पहचान के लिए किया जाता है, इसे हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं, इसे डीएनए अंगुली छापन कहते हैं। अच्छा, इसका प्रयोग क्या है भाई? जैसे तो एक तो क्रिमिनल को पकड़ने में इसका जो है, मतलब फॉरेंसिक जो विधि प्रयोगशालाएं होती हैं, विधि प्रयोगशाला, क्रिमिनल को पकड़ने के लिए, क्रिमिनल को की पहचान के लिए, दूसरा पैटर्निटी माता पिता की पहचान के लिए, शवों की पहचान के लिए, डेड बॉडी के,
मृतक के पहचान के लिए, मृतक की पहचान के लिए। अच्छा, जीवाश्मों के अध्ययन के लिए, क्या मान लीजिए कोई हड्डी का टुकड़ा मिला किस जीव का है, तो यानी जीवाश्मों के अध्ययन के लिए। अध्ययन के लिए फिर पैतृक, यानी माता पिता या किसी भी संतति की पहचान के लिए ये विभिन्न प्रकार से इसका उपयोग किया जाता है। तो अगर हम ये देखें कि डीएनए के बारे में हम लोग को देखे दो नाइक न्यूक्लिक अम्ल था, अगर देखा जाए तो पहला डीएनए का जो सेगमेंट था वो पूरा हम लोगों ने पढ़ा है, इसको आप लोग बार बार रिवाइज करें पढ़ें, और इसके जो है खासकर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें उपस्थित परिभाषाओं के बारे में देखें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।